अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम क्लब सैंडविच की दोबारा से रेसिपी लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए मैंने 2 बॉयल अंडे ले लिए हैं, उनको अच्छे से मैशअप कर लिया है। यहाँ पर मैं शेडेड चिकन यूज़ कर रही हूँ, जो कि 1 कप मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। इसके बाद 2 टेबल स्पून मेयोनीज ऐड की है और 1/2 टीस्पून पेपर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। बस इसके बाद अच्छे से मिक्स करके एक मैंने फाइन से बैटर बना लेना है। ये मैंने 1/2 खीरा लिया है, इसको मैंने क्रश कर लिया है। क्रश करने के बाद इसका सारा जो है पानी मैं रिमूव करूँगी, और अच्छे से रिमूव करने के बाद मैं इसमें मेयोनीज है वो ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं दोबारा से 2 टेबल स्पून मेयोनीज यूज़ कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स करूँगी। ब्रेड मैंने अपना स्प्रेड कर दिया। सबसे पहले मैंने केचप स्प्रेड किया है, फिर चिकन का बैटर दोनों पे वो स्प्रेड किया है, और लास्ट में जो मेरे खीरे का जो बैटर था दोनों पे मैंने वो स्प्रेड कर दिया है। ये मैंने कॉल्सला बनाया है खीरे का, समथिंग मैंने चेंज किया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो और भी वेजेज इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इस तरह से मैंने दूसरे के ऊपर रख दिया है, और लास्ट में केचप वाला के ऊपर जो है फ्लिप कर दिया है, टर्न बैक करके रख दिया। तो इसके बाद मैं एजेस रिमूव करूँगी और बीच में से कट करूँगी। और बहुत ही कम टाइम में ये देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी से बहुत ही खूबसूरत से क्लब सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं। इस स्टेज पर ऐसी पसंद आती है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशन। तो इस तरह से मैंने अपने सारे जो है वो तैयार कर लिए हैं, और आप चाहें तो इसमें कोई भी वेरिएशन डाल सकते हैं। आप सलाद का पत्ता ऐड कर सकते हैं और साबुत वेजिटेबल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यकीन कीजिए बहुत ही टेस्टी थे और बच्चों ने बहुत ही शौक से खाए। तो आप इसमें नई नई वेरिएशन लाते रहिए, क्लब सैंडविच को और ज़्यादा एनरिच बनाते रहिए। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलूंगी फिर रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।